आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है इस नई वीडियो में। बात करेंगे देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। सबको भूख लगती है, सब खाना खाते हैं, साथ ही साथ में जो ये यंग जनरेशन है जिसके पास में अब पैसा आता जा रहा है, ये बाहर चलकर बहुत ज्यादा स्पेंड करती है, तो इस तरह की कंपनी में आपको निवेश करना है इंडिया में स्पेसिफिकली, क्योंकि इसकी ग्रोथ रेट बहुत फिनोमिनल होगी। आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए। जी हाँ, हमारे हिसाब से इसको अप्लाई करना चाहिए और लिस्टिंग गेन भी होगा बहुत तकड़े वाला। अभी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम सेम होल्ड कर रही है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जीएमपी इज रॉक सॉलिड, प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। देखिए, इनके पास में यम ब्रांड का सबसे ज्यादा बिगेस्ट सप्लायर है। ए ऑल अमेरिकन फूड, टेको बेल, लॉन्ग जॉन सिल्वर, पिज्जा हट, KFC, तो ये सारे के सारे ब्रांड इनके पास में काफी अच्छे हैं और ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है इनके पास में। टेको बेल फॉरेन की बहुत बड़ी डिमांड रहती है और यहां पर भी अब इसके बोरिटोज और जो टेकोज हैं वो काफी डिमांड में चल रहे हैं। इनके पास में 155 सिटीज हैं और 650 से ज्यादा इनके स्टोर हैं करंटली। पिज्जा हट इनकी एक वन ऑफ द स्पेशलिटी है। KFC, साथ ही साथ में जो इनके को ब्रांडेड हैं, तीन बिजनेस मॉडल है, को ब्रांड, कोर ब्रांड, इंटरनेशनल बिजनेस और साथ ही साथ में इनके अपने खुद के ब्रांड। देवनी आईपीओ में अगर आपको अप्लाई करना है तो B2C मॉडल बहुत अच्छा है और 4 करोड़ से ज्यादा इनके ऑर्डर रहते हैं इन जनरल, जब पीक टाइम पर रहता है। कोर ब्रांड लीड करता है रेवेन्यू के रेफरेंस में, जिसमें 90% से ज्यादा इनका रेवेन्यू आता है और गुड मार्जिन है ओन ब्रांड में, पर ओन ब्रांड में अभी वॉल्यूम नहीं है जिसके लिए काम कर रहे हैं, जो अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए इनको बेनिफिट देगा। यहां पर 1 रुपए का शेयर है, 86 से 90 रुपीज के प्राइस पर आपको करना है। कंपनी का पी 9 के आसपास है, इंडस्ट्री का पी यहां पर 14 है और जब ये लिस्टिंग होगा तो हमारे हिसाब से 14 के ऊपर इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी छोड़ दिया जाए। इसके पहले ही ये बता रहा है कम से कम आपको 50 से 60% का गेन मिलना चाहिए यहां पर हमारे हिसाब से इस आईपीओ में। देवेनी आईपीओ में दे आर वन ऑफ द लीडर इन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट QSR में। ब्रांड्स बहुत बड़े बड़े इनके पास में है, तो जब भी कोई बाहर जाता है तो डेफिनेटली शॉपिंग मॉल में जाकर यंग जनरेशन स्पेशली जब खाना खाना होता है, पिज्जा खाना होता है, तो पिज्जा ठीक जाएंगे यहाँ पर। नेटवर्क बहुत बड़ा है इनका, बहुत बड़ा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके चलते हुए इनकी एक यूनिक पोजिशन बन रही है जो इनके इस बिजनेस मॉडल को बहुत अच्छी ले जाएगी। हमारे हिसाब से इसका CAGR 12% के आसपास है पिछले हिस्टोरिकल डाटा के अनुसार और इनके पास में यहाँ पर अगर हम बात करें आगे चलकर तो कैश इनके पास में काफी रिलेटिवली कम है। दिव्या आईपीओ में आपको जरूर लगाना चाहिए, पर एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करें, अगर आपके पास में फैमिली मेंबर है तो सारा पैसा अपने अकाउंट में मत लगाइए, कुछ पैसा अपने अकाउंट में लगाइए, कुछ पैसा अपने माता जी के अकाउंट में लगाइए, कुछ पैसा अपने पिताजी के अकाउंट में लगाइए, कुछ पैसा अपने वाइफ के अकाउंट में लगाइए या भाई बहन के अकाउंट में लगाइए, ताकि आपकी प्रॉबिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाए इसमें आने के लिए। अब चलकर फाइनेंशियल देखते हैं, तो डील इनकी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हो गई है और ये ग्रो ग्रोथ की दृष्टि से भी काफी अच्छा ग्रो है। समझने की कोशिश कीजिएगा इस डाटा को। यहाँ पर देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन आगे आने वाले समय में भी करीब करीब 92% पॉपुलेशन जो है वो चिल्ड्रन या फिर एज ग्रुप अप टू 64 तक है और ये लोग बहुत ज्यादा बाहर जाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तो ये समझिए जब 92% पॉपुलेशन इतने बड़े लेवल की पॉपुलेशन में यहां पर जा रही है बाहर खाने के लिए, तो आगे का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। अभी कोविड के चलते हुए लोग बाग थोड़ा सा रुके हुए हैं, बट जैसे ही कोविड का सिचुएशन होगा तो इसकी हमारी एक्सपेक्टेशन है रेवेन्यू एवरेज 25% के हिसाब से ग्रो करेगा एज पर द डाटा मॉडल व्हाट वी हैव। इनके टोटल एसेट्स की बात करें तो 18,000 करोड़, 18,800 2020 में, और फिर अभी एसेट थोड़े कम हुए हैं इनके 2021 में 16,600 करोड़ के। उसका प्राइमरी रीजन कोविड का इम्पैक्ट के चलने की वजह से रेस्टोरेंट कुछ बंद हो रहे हैं। रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो 13,000 करोड़ का रेवेन्यू 2019 में, 15,000 करोड़ का रेवेन्यू 2020 में और 2021 में कोविड के चलते हुए महज 12,000 करोड़ का रेवेन्यू आया है। आप देखिए अब खुद से, जब ये प्रोजेक्टाइल के हिसाब से आगे निकालेंगे तो उम्मीद है 2022 या 23 में जब कोविड का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा ये 20,000 करोड़ तक का रेवेन्यू बनाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात की जाए, 2019 में नुकसान रहा 900 करोड़ का, 2020 में 1200 करोड़ का और 2021 में 629 करोड़ का करंटली लॉस एवरी ईयर। इनका बिजनेस एक्सपेंशन प्लान बहुत बड़ा है और नए स्टोर जो है सेटअप करेंगे, जो कि इजी एक्सेस मिल पाएगा इनको फर्दर कस्टमर्स
काम के लिए। ये फूड सेक्टर के अगर हम बात करें तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो है वो 34% शेयर देता है, बार्स एंड क्लब बार्स जो है 27%। तो यहाँ पर QSR में 34% जो कि मोर देन वन थर्ड फूड प्रोवाइड करता है, ये एक बहुत अच्छे पोजीशन पर है। अब जैसे आपको पता ही है इनके रेस्टोरेंट की, यहाँ पर देख लीजिए फूड स्ट्रीट भी है, वैंगो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इनके जो ब्रांड्स है, KFC अक्रॉस द वर्ल्ड इसका फेमस प्रोडक्ट है, पिज्ज़ा हट तो इंडिया में इतना पॉपुलर है, आप अलग अलग वैरायटी की पिज्ज़ा जब भी आप पार्टी में जाएंगे तो आपको ऑफिस की पार्टीज में जनरली पिज्जा हट मिलता है। कोस्टा कॉफी आपको UK जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहां पर ही मिलेगा। वैनगो ये इनका एक खुद का ब्रांड है जो कि यहां पर साउथ इंडिया का फूड प्रोवाइड करता है, तो स्पेशली जो लोग साउथ इंडिया बिलोंग करते हैं वो बता पाएंगे, काफी ऑथेंटिक फूड है इनका इस रेस्टोरेंट में। आप कभी ट्राई कीजिएगा और देखिएगा, आपको पता लगेगा डिफरेंस में। इनकी चटनी, डोसा, इडली, सांभर, सब कुछ इनके पास में अलग प्रोडक्ट के वैरायटी है। अब वकेंगो में एडवांटेज क्या है कि इनको यहाँ पर मार्जिन इसमें काफ़ी ज़्यादा होगा। सबसे पहला जो है वो नोएडा में हुआ था हमारे एरिया में, और उसके बाद में अब 26 से ज़्यादा इनके ऑथेंटिक स्टोर्स हैं जो कि काफ़ी डिमांड में है। इडली, सांभर, वड़ा, डोसा, उत्तपम सब इनके यहाँ पर मिलता है, फिल्टर कॉफ़ी, आपको जो चाहिए सब कुछ देंगे। देखिए सेंसेक्स ने काफ़ी अच्छी तरक्की की है पिछले 1 साल 1.5 साल में, ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 25,000 से 54,000 के आसपास हो गया, तो आगे इसके थोड़े से पॉजिटिव मोमेंटम रहेंगे। अब रिस्क क्या है, जो पास्ट ग्रोथ है इट मे नॉट रीअकर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंडिकेटिव होता है और साथ ही साथ में इंक्रीज एक्सपेंसेस होंगे तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम होगी। पैंडेमिक जैसे कोविड सिचुएशन है, ये थोड़ा सा दिक्कत की काम है, कंपटीशन यहाँ पे बहुत बढ़ जाएगा अगर है, पर एडवांटेज ये है कि ये इनको ज़्यादा डीप डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टैंडर्ड ब्रांड है, नई जनरेशन स्टैंडर्ड ब्रांड में काम करती है। बिजनेस स्ट्रेंथ्स की बात करें तो ब्रांड पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है, ये इनकी सबसे अच्छी बात है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है, और जब ब्रांड अच्छा है तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी रहेगी और कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ रहेगा, जो कि इसके एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आगे आने वाले समय में 45% तक का ग्रोथ दिखा सकती है ये, जैसे जैसे अप मूवमेंट होगा, क्योंकि बेस इसका अब कम हो चुका है, जो कि स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छा लगेगा और उसको आगे प्रमोट करेगा। रिटेल की 22% तक की होल्डिंग हो सकती है इसमें, और GMP अभी ₹70 के आसपास तक चल रहा है। हमारा कंक्लूजन जो हम बता रहे हैं, आपको इस पोर्ट IPO में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। प्रोडक्ट यूनिक प्रोडक्ट है क्योंकि ब्रांड्स इनके यूनिक है, ग्रोथ रेट फिनोमिनल ग्रोथ रेट रहेगी 45% के आसपास, और मार्जिन रीजनेबली मच हायर मार्जिन है कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स के। अगर आप 3 साल तक इसको होल्ड कर सकते हैं, हमारा टारगेट ₹300 का है, आप चाहें तो अप्लाई कर दीजिए। और अगर आपने हमारे 6 हफ्ते पहले सर्विस ली होती तो आपको ₹2,20,000 का प्रॉफिट हुआ था। आपके लिए पास 4 वीडियो प्रस्तुत है। जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।